दिल्ली में एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है और इन चुनावों में नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। इनमें से एक दिल्ली के पालम से उपासना सहरावत, जो कि स्वराज पार्टी की उम्मीदवार हैं। उपासना सहरावत वैसे तो पहली बार एमसीडी का चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन पिछले एक साल पहले अन्ना हजारे के आंदोलन में जुड़ी हुई थी। यदि महिलाओं की बात करें तो दामिनी हत्याकांड में उन्होंने इंडिया गेट पर प्रदर्शन भी किया था। उनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास उनका मुद्दा होगा। हमारा कोई बहुत सारे मुद्दे नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही है। लोग जो हमारा एक स्लोगन भी है कि जुमला वादा घोटाला, बस और नहीं, बस और नहीं, कि हम बहुत सारे वादे नहीं करने वाले, सिर्फ हम एक वादा करेंगे, वो भी सफाई का, साफ हवा, साफ नीयत और साफ दिल्ली, वही हम करना चाहते हैं। लोगों के साथ हम झूठ नहीं बोलना चाहते। जो हमारे कार्य क्षेत्र में जो काम आते, जो जो कार्यभार में दिया जाएगा, उसी को हम अच्छे तरीके से करेंगे। हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। जैसे कि केजरीवाल जी ने कहा था अपना, आम आदमी पार्टी में पिछले हम थे तो कहते थे कि जी पुलिस को महिला कमांडो फोर्स बनाएंगे, सीसीटीवी लगवा देंगे। अब वो कहते हैं फंड नहीं है, तो हमें और 10 वादे नहीं करने, हमें सिर्फ एक ही वादा करना है। जो हमारे कार्य क्षेत्र में आएगा हम उसी को पूरा करके देंगे। इससे पहले भी आप किसी पार्टी में थे, समाज सेवा? मैं आज से अन्ना आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तभी से मैं उनके साथ जुड़ी थी। कुछ अच्छी विचारधारा के लोग मुझे लगे, जिसमें हमारे योगेंद्र यादव जी भी थे, और उन्हीं लोगों से मैं ज़्यादा प्रभावित हुई थी, ना कि मैं केजरीवाल से प्रभावित हुई थी। उन्हीं लोगों को मैंने सुना था, बहुत अच्छे विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छा भविष्य भी बताते थे वो लोग। और आज भी जो चीज़ कह देते हैं वो, अगर उन्होंने कहा कि 26 सीटें आई तो कई बार 26 भी आई हैं, थोड़ा बहुत फर्क रह जाता है। और उसके बाद में आंदोलन से लेकर दामिनी निर्भया कांड और आपका किसी प्रोटेस्ट करना, आम आदमी पार्टी में भी मैं पूरे फुल टाइम एक्टिव रही हूँ, और मैं एज अ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थी 5 लोगों के बीच में एमएलए के लिए। लेकिन मैंने देखा कि वही टिकट की खरीद फरोख्त, उस चीज़ के लिए मैंने मना कर दिया कि मैं वो काम नहीं करूँगी जिस चीज़ आंदोलन को लेकर हम चले थे।